नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश प्रजापत फ्रॉम सच्ची बात। दोस्तों आज एक स्टोरी लाया हूँ। जो व्यक्ति जीवन में सफल असफल हो जाते हैं और हार कर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये स्टोरी नेवर गिव अप। दोस्तों एक बार एक तालाब में दो मेंढक रहते थे, जिनमें से एक मोटा था और एक पतला था। एक दिन दोनों मेंढक खाने की तलाश में कई बाहर निकल गए और एक घर के अंदर जा पहुंचे। एक उस घर की खिड़की से दोनों ने छलांग एक साथ मारी और दोनों एक दूध के प्याले में जाकर गिर गए। दूध के प्याले की जो आसपास की परत थी बहुत ही चिकनी थी, जिसके कारण दोनों निकल नहीं पा रहे थे। दोनों उसमें निकलने की काफी कोशिश करते रहे बहुत देर तक। कोशिश करने के बाद मोटा मेंढक थक चुका था, उसने कहा, दोस्त मैं नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं होगा। पतले मेंढक ने कहा, भाई थोड़ी देर और मेहनत कर, कोई ना कोई इंसान आएगा और हमें निकाल देगा। मोटा मेंढक फिर अपने पांव चलाने लगा और पांव चलाते चलाते कुछ घंटे फिर बीत जाते। फिर मोटा मेंढक कहता है, भाई अब तो मेरे से होएगा ही नहीं, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं। लेकिन पतला मेंढक उसके साथ था, उसने फिर उसे हिम्मत दी, कहा, भाई एक बार और कोशिश कर, कोई ना कोई इंसान आएगा और हमें निकाल देगा। फिर उसमें थोड़ी हिम्मत आई मोटे मेंढक में और वो फिर पांव चलाने लगा। कुछ घंटे फिर बीत गए। अब मोटा मेंढक बुरी तरह से थक चुका था, फिर बोला, भाई अब मैं नहीं कर सकता। कोशिश की पतले मेंढक ने उसे हिम्मत देने की, लेकिन वो खुद से हार गया था। जो व्यक्ति खुद से हार जाता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। मोटे मेंढक की स्थिति भी आई थी, मोटा मेंढक खुद से हार गया, उसने पांव चलाने छोड़ दिए और डूब गया, डूब के मर चुका था। जो लोग खुद से हार जाते हैं वो भी डूब के इसी तरह मर जाते हैं। पतले मेंढक ने अभी तक हार नहीं मानी थी और ज्यादा देर तक दूध में पांव हिलाने की वजह से दूध का मक्खन बन चुका था और कुछ ठोस जगह और पांव रखकर पतले मेंढक ने छलांग मार ली और बाहर निकल आया। पतले मेंढक की जान बच चुकी थी। अगर कुछ देर और वो मेंढक हार नहीं मानता तो आज दोनों जिंदा होते। तो दोस्तों परेशान या कितनी बड़ी क्यों ना, उससे कभी हारना नहीं चाहिए। लगातार कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे, यही इस कहानी की शिक्षा है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जान। ये लाइनें थी मेरी तरफ से और मेरे मित्र सत्यम सचान की तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।